तो प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। खुदावन तनु सारिया नु आशीष दे, आमीन। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि परमेश्वर ने जो अपनी सुविच्छा को मेरे मन में डाला कि हम फॉर्म फिल करेंगे ना, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्म फिल करेंगे। और उसी लिए हमने दो दिन पहले भी एक पोस्ट डाली थी कि अपने अपने फॉर्म आप फिल करवाएं और हम आपके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। किस रीति से प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर ने अलग से अपनी सुविच्छा को डाला, क्या डाला है, क्या डाला उसने अपनी सुविच्छा को मेरे मन में, कि जैसे है ना जितने भी प्रभु के दास है ना, और वो ऐसे हाथ रखकर प्रेर करते हैं। जैसे ये अभी तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इतने अभी फॉर्म कुछ भरे हैं, अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं, हमने मंडे भी ट्यूसडे भी प्रेयर की और आज भी करेंगे। बोला क्या करेंगे, आज भी प्रार्थना करेंगे। और कैसे ये फॉर्म से प्रार्थना होती है आज प्रैक्टिकल हम देखेंगे, जो मैं अभी खुद करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था, जो मैंने पहले भी दो दिन पहले पोस्ट डाली थी उसमें मैंने कहा था कि मैं और जो मेरे साथ बच्चे हैं, जो टीम है, हम सब मिलकर आपके लिए इस तरह ऐसे ही प्रार्थना। तो कल इन्होंने भी की फॉर्म से कुछ लोगों की प्रेयर, परसों मैंने भी की और आज भी मैं करने जा रहा हूँ। और कैसे होगी, अभी आप सीखना और आमीन करके रिसीव करना है ना, ब्लेसिंग चाहिए छुटकारे के लिए भी है ना, रिसीव करना आमीन करके, ये हो चुका है, जब कुछ चाहिए तो ये मिल चुका है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन लोगों के लिए भी है, क्योंकि ऑनलाइन लोग भी जो हमें देखते हैं वो भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवा सकते हैं। जो हमने ये नंबर, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, ये नंबर आपकी हेल्प के लिए है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, तो ये नंबर आपकी हेल्प के लिए है। इन नंबरों पर आपने कॉल करनी है और अपनी आपकी जो भी मुश्किल है, प्रॉब्लम है, आप कहीं से भी हो, आप कहां पे जा रहे हो, हमें इसका इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इसलिए ये ऑनलाइन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं कि जो वचन खुदा ने मुझे स्वर्ग से दिया, जिस वचन को खुदा ने मुझे स्वर्ग से दिया और अपनी सुविच्छा को डाला है, कि हम सबसे पहले इस मिनिस्ट्री को के लोगों के लिए, फिर ऑनलाइन लोग जो वॉच करते हैं जितने भी है ना, तो हम फॉर्म फिल करेंगे, क्या करेंगे बोलो, फॉर्म फिल करेंगे, और एक एक की प्रार्थना ऐसे फॉर्म से पढ़कर उनकी क्या होगी, प्रेयर होगी, क्या होगी, एक एक की होगी, हाथ रख कर नहीं, ऐसे ना एक एक बंदे की बोलकर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक लंबा समय दे दिया, हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद एक हफ्ते की क्या रखेंगे, हम प्रेयर रखेंगे, हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद एक हफ्ते की प्रेयर रखेंगे, और उसमें हमारे पास एक लंबा समय है। अभी तो लास्ट है ना, ये बचा है फरवरी का है ना ये हफ्ता, और उसके बाद मार्च शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, हर प्रभु भोज की मीटिंग के बाद है ना, जो महीने का पहला जो संडे होगा उसमें एक हफ्ते की क्या रखेंगे, हम प्रेयर रखेंगे, और उसमें हम जो पूरा साल पड़ा है कि हम प्रार्थना ऐसे करते हैं, हजारों की प्रार्थना हो जाएगी और इसमें हजारों काम हो जाएंगे, बोलो क्या हो जाएंगे, हजारों काम हो जाएंगे, आपकी गवाहियां बनती जाएंगी, जो काम हो गया आप दूसरा फॉर्म भरा सकते हो, जो ऑनलाइन भी है ऐसे वो भी करवा सकते हैं, एक एक चीज के लिए अपनी चीज भरा, फॉर्म भरा हो गया तो आप दूसरी चीज लिखवा सकते हैं, और ये होगा, मेरा विश्वास है खुदावन
अगर उसने स्वर्ग से ये मुझे वचन दिया है तो निश्चय ये 100% होगा, हर एक के लिए होगा। बोलो क्या होगा? ये हर एक के लिए होगा, क्योंकि ये वचन खुदा ने स्वर्ग से दिया। और देखना परमेश्वर कैसे बड़ी बड़ी गवाहियों से अपने लोगों को खड़ा करने वाला है। बोलो क्या है? बड़ी बड़ी गवाहियों से परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करने वाला है। आमेन, हालेलुया। तो तैयार हो फिर, तो फिर प्रैक्टिकल करें, ठीक है? तो आप अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। अभी मेरे पास कुछ समथिंग है ना, बाहर से आए है ना, कुछ कॉल्स हमें बाहर से भी आई हैं, जिन्होंने बोला है कि हाँ हमारे भी फॉर्म फिल करो, बाहर से है ना, जो लोग भी हैं उनकी भी कॉल आई है। पर अभी हमारी मिनिस्ट्री वाले जो लोग हैं, इन लोगों को भी नहीं, शायद सब लोगों को नहीं पता, तो अभी सब आ रहे हैं और भरे जा रहे हैं फॉर्म। पर आज मैं जो मैंने कहा था, मैं प्रैक्टिकल कैसे वो प्रेयर होगी ये करने जा रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, मेरे पास जो भी आज फॉर्म है, तो कि स्टार्ट करेंगे, आंखें बंद करें। ये रुपिंदर कौर नाम है, गांव का नाम काजीवाल है। इसमें लिखा है कि 6 महीने तो 6 महीने से इनके जो दाएं घुटना है उसमें प्रॉब्लम है और गठिया की प्रॉब्लम है। यस खुदा, जो भी ये अंधकार की पाप की जो प्रॉब्लम है, जो 6 महीने से खुदा इनके दाएं घुटने में जो प्रॉब्लम है और गठिया की प्रॉब्लम है, आज से खुदावन तेरे जीवत नाम से, तेरे जलाली नाम से ये गठिया आउट करता हूं, मैं आउट करता हूं, आउट करता हूं यीशु मसीह तेरे नाम से। राइट नाउ खुदावन, ये तेरी बच्ची फ्री हो जाए, चंगी हो जाए, तेरे जीवत नाम से चंगी हो जाए। यस खुदा। सेकंड, अमनदीप कौर जो मुदल से है, सॉरी मालूवाल इनके गांव का नाम है, और ये सिस्टर 7 साल से इसे दिमाग की प्रॉब्लम है और मेडिसिन खा रहे हैं, इन्हें चक्कर भी आते हैं और हाथों में पसीना आता है, और कभी कभी इन्हें दौरे भी पड़ते हैं, और बीपी लो हो जाना, ये सब प्रॉब्लम है, मेडिसिन से भी छुटकारा नहीं मिल रहा। यस खुदा, इसमें जितना भी जितनी भी प्रॉब्लम लिखी है, यस खुदा तेरी जीवत नाम से, तेरी जीवत शक्ति से, राइट नाउ खुदा मैं जाने की आज्ञा करता हूं खुदावन, तेरी इस बच्ची के जीवन से, जो खुदा इसके दिमाग की प्रॉब्लम है, इसे चक्कर आते हैं, इसके हाथों से पसीना आता, और कभी कभी दौरे पड़ते हैं और बीपी लो हो जाना, ये सब प्रॉब्लम है और मेडिसिन से छुटकारा नहीं मिल रहा। जो भी अंधकार की ये पाप की ये प्रॉब्लम है, खुदा तेरी जीवन शक्ति से मैं आउट करता हूं, मैं आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री, फ्री। नेक्स्ट, सरबजीत कौर, गांव मुदल, ये 15 साल से घर को बनाना चाहते हैं और घर बन नहीं रहा, 3 साल से इनके बिजली का मीटर नहीं लग रहा, और इनके बच्चे सेवा कर रहे हैं, पर वो उस आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे जो जे चाहते हैं। यस परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा तेरा दास होने के नाते, ये 15 साल से जो इनका घर नहीं बन रहा, खुदा तू उस पे अनुग्रह कर चुका है, कर चुका है। जो 3 साल से इनका बिजली का मीटर नहीं लग रहा, खुदा तू लगवा चुका है। जिनके बच्चे सेवा कर रहे हैं पर आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे, खुदा तू बढ़ा चुका है। यस खुदा, इनमें जो चीजें भी लिखी है पिता, तू स्वर्ग से पूरी कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, ऐसा हो चुका कि तेरे जलाली नाम से। खुदा ये नेहा विलस गांव मुदल, 15 साल से इनका घर नहीं, और इनके घर इनके पति 15 साल से ड्रिंक का नशा करते हैं और गोलियों का नशा करते हैं। यस खुदा, तेरी बच्ची नेहा का जो 15 साल से घर नहीं है, यस पिता, जो तूने अपनी स्वेच्छा को मेरे मन में डाला है इस फॉर्म के लिए, कि मैं ऐसे एक एक बंदे के लिए प्रार्थना करूं, खुदा निश्चय तू इसका घर बना चुका है, और नशे की जो आत्मा इसके पति के जीवन में
15 साल से कार्य कर रही, काम कर रही खुदा, तेरी जीव शक्ति से मैं उस नशे की गंदी आत्मा को मैं आउट करता हूं, मैं आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं। अमनदीप विलियस गांव का नाम मोदल, और 14 साल से इनका भी घर नहीं बना, ये घर की ब्लेसिंग चाहते हैं और खुदा तू दे चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा तू स्वर्ग से जो तूने वचन दिया इसे घर की ब्लेसिंग दे चुके। सुखविंदर कौर मोदल, 1 साल से इनकी सच्ची टांग में जो दर्द रहती है और 3 महीने से नेगेटिविटी का प्रभाव के कारण नींद नहीं आती, प्रार्थना करते समय इनके जीवन पर नेगेटिविटी का जो प्रभाव है और सिर में जो प्रॉब्लम आती है, राइट नाउ खुदा मैं तेरे जीवित नाम से आज्ञा करता हूँ जो भी इनकी सच्ची टांग में जो दर्द है खुदा और 3 महीने से नेगेटिविटी इनके जीवन में काम कर रही है, खुदावंत तेरे जीवित नाम से मैं आउट करता हूँ, मैं आउट करता हूँ, मैं आउट करता हूँ, ये आजाद हो खुदा, तेरी जीवित शक्ति से ये आजाद हो खुदा, तेरी जीवित शक्ति से ये आजाद हो खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री। राजविंदर कौर मोदल इन्हों के पति 12 साल तो ड्रिंक का नशा करते हैं और सिगरेट का नशा करते हैं और संगति में नहीं आते और जुआ भी खेलते हैं, और ये सिस्टर आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। यस खुदा, सबसे पहले इनका पति जो 12 साल से ड्रिंक का नशा और सिगरेट का करते हैं, यस खुदा वो नशे की आत्मा जो जुआ भी वो दुष्ट आत्मा गलत संगति में लेकर जाता, राइट नाउ खुदा इन गंदी आदतों से ये छूटे और नशे की आत्मा खुदावन तेरी इस बच्ची राजविंदर के पति के में जीवन से उस नशे की उस गंदी आत्मा को मैं आउट करता हूँ, आउट करता हूँ, और ये जो आत्मिकता में बढ़ना चाहते खुदा तू बढ़ा चुका है। रॉबिन ये इटली विच जाना चाहते हैं, इन्हों के डॉक्यूमेंट अप्लाई किए ने प्रकार विच पर जान विच कोई रुकावट आ रही है। यस खुदा ये रॉबिन गांव का नाम काजीवाल जो इटली में जाना चाहते हैं खुदा, और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं पर जान में जो रुकावट आ रही है खुदा वो सारी रुकावटें खुदा तेरे जलाली नाम से हट जाए, हट जाए खुदा तेरे जीवित नाम से। शैतान की मैं सारी प्लानिंग को योजनाओं को खुदा तेरे जीवित नाम से मैं कैंसिल करता हूं, इसके बंद रास्ते खुले यीशु मसीह तेरे नाम से, और ये बच्चे की जो चाहत है खुदा रॉबिन की इटली जाने की तो पूरी कर चुका है। नीतू जहांगीर से इनके जूट्रस में जो पानी की रसौली है और लीवर में इंफेक्शन है की प्रॉब्लम है और मैरिज में रुकावट आ रही है, खुदा जो भी यूट्रस में रसौली और लीवर में इंफेक्शन है खुदा तेरी जीवन शक्ति से मैं आउट करता हूं, मैं आउट करता हूं, मैं आउट करता हूं, और जो मैरिज में रुकावट आ रही है जो भी आत्मा नेगेटिविटी की आत्मा खुदावंद उस बच्ची नीतू के उसकी मैरिज लाइफ में उसकी मैरिज होने में जो रुकावट शैतान दे रहा है, यस खुदा तेरी जीवन शक्ति से मैं हर रुकावट देने वाली आत्मा को मैं डांटता हूं खुदावंत तेरे जीवन नाम से मैं डांटता हूं मैं खुदावंत। अगर किसी भी प्रकार का जादू टूने का प्रभाव या तो खुदा मैं तेरे जीवन नाम से कैंसिल करता हूं, चेतानी मेज से खाया खिलाया गया तो कैंसिल करता हूं, राइट नाउ खुदा मैं आजाद घोषित करता हूं। जी जुम्मा जो मुद्दल से 14 साल से ये भी किराए के मकान में और घर नहीं है, घर की रुकावट है और घर की ब्लेसिंग नहीं और इनके बच्चे आज्ञाकारी नहीं, यस खुदा इनका घर बना चुका है, बना चुका खुदा घर की ब्लेसिंग दे चुका है और बच्चे जो आज्ञाकारी नहीं है खुदा उन्हें आज्ञाकारी बना चुका है, और जो भी नेगेटिविटी आत्मा जो खुदावंद इनके बच्चों के जीवन में काम कर रही है खुदा उन्हें छोड़ कर जा चुकी जा चुकी। चन जो मल्लू नंगल पट्टे इनके जो सच्चे घुट की नाड़ दबी है और खून का सर्कल
खून सर्कल नहीं करता, और वचन जब भी ये सुनते हैं और वचन सुनने में इन्हें समझ नहीं आती, और इनकी पत्नी के पित्ते में जो पथरी है और लकोरिया की प्रॉब्लम है और टाइफाइड रहता है, यस खुदा तेरे बच्चे इस चन के जो हाथ में इनके घुट में जो नाड़ दबी है और खून सर्कल नहीं करता और वचन समझ नहीं आती, खुदा ये दोनों चीजें, एक तो दबी नाड़ खुदा तेरे जीवन शक्ति से वो अपनी जगह सही हो जाए, खून सर्कल करे, खून सर्कल करे, और जो वचन नहीं समझ आता, शैतान जो रुकावट दे रहा खुदा, हर रुकावट देने वाली आत्मा जाए, इनके पत्नी के पित्ते में जो पथरी है वो जाए, लकोरिया जाए, टाइफाइड जाए, यीशु मसीह तेरे नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री। यस खुदा, ये रिम्पी जहांगीर से, इस सिस्टर का नाम ये रिम्पी, और ये आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं और इनके हाथ पांव सुन्न होते हैं, खुदा तू इसे आत्मिकता में बढ़ा चुका है, और जो हाथ पांव सुन्न होते हैं हर अंधकार की उस नशे, सॉरी हर अंधकार की जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, खुदा तेरे जीवित नाम से वो जा चुकी है, द नेम ऑफ जीसस बी फ्री। सत्या मुदल से इन्हा खब्बा हथ 5 साल से नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण कमदा है, और पूरी बाजू में ये दर्द रहती है, और इनके पति के घुटनों में दर्द है, यस खुदा इनके हाथ में जो भी नेगेटिविटी का प्रभाव है, जो भी नसें दबी हैं, काम नहीं कर रही, जिसके कारण इनका हाथ हमेशा खुदावन कमदाया और दर्द रहती, तेरी जीवत नाम से वो सारी नेगेटिविटी का प्रभाव हट जाए, चला जाए, यीशु तेरे नाम से मैं आउट करता हूं, आउट करता हूं, और इनके पति के घुटनों की जो प्रॉब्लम है उससे भी उस दर्द को मैं आउट करता हूं, आउट करता हूं, तेरे जीवित नाम से आउट करता हूं। ये सिस्टर ज्योति जहांगीर से आत्मिकता में जो बढ़ना चाहते हैं, इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है, यस खुदा इसे आत्मिकता में बढ़ा चुकी है, और जो क्लेश की आत्मा इनके घर में झगड़ा करती है, खुदा तेरे जीवित नाम से मैं डांटता हूं उस क्लेश की आत्मा को, मैं डांटता हूं खुदावन तेरे जीवित नाम से वो चली जाए, वो क्लेश की आत्मा छोड़े और जाए, सब प्रवास से जाए खुदा तेरे जीवित नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री। एंजल मुदल से जो 6 साल से जन्म का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा और बनने में रुकावट आ रही है, खुदा तू बना चुका है, तू बंद रस्ते खोल चुका और हर रुकावट को दूर कर चुका खुदा अपने जीवित नाम से। शरण 4 हफ्ते से खांसी की प्रॉब्लम और जुकाम और गल बलगम है, यस खुदा तेरे जीवन शक्ति से मैं डांटता हूं तेरे सामर्थ्य नाम से, वो हर अंधकार की जो खांसी जुकाम जो बलगम है खुदा इस बच्ची के जीवन से मैं आउट करता हूं। ओके, आमीन आमीन। तो सुनो, अभी तो मैंने कुछ फॉर्म पर आज जो मैंने ये पढ़कर प्रेयर की है, अभी कुछ फॉर्म मेरे पास और भी हैं, तो कुछ फॉर्म की मैंने प्रेयर या खुद जो जो आपकी प्रॉब्लम थी पढ़कर मैंने प्रेयर की है ना। तो ये ऐसी प्रेयर चलती रहेगी, अभी आज बुधवार है, कल वीर शुक्र शनिवार तक है, फिर नेक्स्ट मंथ इसी तरह से चलेगा, और जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं जो इस मैसेज को सुने, और जितने भी लोग ऑनलाइन भी सुने, तो हमने अपने हेल्पलाइन नंबर दे दिए हैं, आप कॉल कर सकते हो, कहीं से भी हो आप लिखवाओ, और इसी तरह से आपकी प्रेयर आपकी भी होगी। आमीन हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि खुदावंद ने जो वचन स्वर्ग से दिया है बड़े रिजल्ट को और बड़ी गवाहियों को पैदा करने वाला है। मैंने कहा बड़ी गवाहियों को वो पैदा करने वाला है। इस 2024 में ही देखना अनगिनत गवाहियां लोगों की होंगी।
जो ऑनलाइन है, जो कहीं से भी है, किसी भी चर्च जा रहे हैं, है ना, उनके जीवन में भी, यहां पे तो लोगों की बने ही बनेगी जो ऑनलाइन भी है, दूर बैठे हैं, उनके जीवन में, क्योंकि ये परमेश्वर ने स्वर्ग से वचन दिया। और ये इसलिए मैंने ये आज प्रैक्टिकल बताया आपको कि कैसे हम फॉर्म से कैसे, मतलब एक एक बंदे का नाम लेकर उनकी प्रॉब्लम के बारे जो लिखवाएंगे वो कैसे प्रेर करेंगे, तो ये आज प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने। और इसी तरह से ये रेगुलर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा साल चलता रहेगा। और मेरा विश्वास है कि ये 2024 जो वचन खुदा ने दिया है, आप भी बने रहना इस प्रार्थना में और पूरा करते रहना, अपनी प्रार्थना को रिसीव करते रहना। इसी 2024 में खत्म होने से पहले पहले कुछ लोगों की थी गवाहियां महीने में बनेंगी, दो में बनेंगी, क्या बनेंगी देखना, ये गवाहियां अब आती जाएंगी, आती जाएंगी। और आने वाले साल तो भी बेस्ट होने वाले। ओके, तो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे चुके हैं, जो ऑनलाइन भी है, जहां भी है, यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, हालेलुया।